बदलाव तो बहुत है, क्योंकि अब जो है जैसे पहले बच्चे ज़्यादा मात्रा में आते थे, अब बच्चे कम आते हैं, क्योंकि अब मोस्टली बच्चे क्या है ना कि ऑनलाइन को रेफर करते हैं। हाँ जी बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली जो लोग कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके पेशेंट लोगों को उनको देखना है तो उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमको मतलब क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। जब उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। रखने वाली जो पॉलिसी है बच्चा उस पर ध्यान ना देकर समझने वाली पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बच्चा समझने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। बहुत कुछ कर रही है ना गवर्नमेंट, साथ दे रही है, मतलब हर एक लैंग्वेज भी कर रही है, जैसे 13 लैंग्वेज में होते हैं पेपर हो गए जी, और प्लस हिंदी मीडियम के बैच भी चला रही है, जैसे हो गया MBBS में JEIT जो भी है इंजीनियरिंग, सब हिंदी मीडियम से कर रहे होगी। हमने हिंदी मीडियम बैच पहली बार स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इससे जितने भी पहले हमने बैच स्टार्ट किया सारे इंग्लिश मीडियम के थे, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि जो बच्चे इंग्लिश में हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आते हैं, तो हिंदी मीडियम का हमने बैच पहली बार स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जैसे IIT JEE का पेपर दो बार होता है, वैसे ही नीट का पेपर साल में दो बार होना चाहिए। क्या बच्चे सब लोग एग्री है? हमारी आवाज़ को पहुंचाइए मोदी सरकार तक। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या लाइव पर, और आपके साथ मैं हूँ शिवानी झा। अभी हम लक्ष्मी नगर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, घूम घूम के आपको हर एक स्टूडेंट की जो है उनके सपने कैसे पूरे करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या उनका शेड्यूल रहता है, हर एक चीज़ दिखा रहे थे। तो इसी बीच अभी हम जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम है RVS स्टडी पॉइंट, और इन्हीं के यहाँ पर जो है ऑनर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे कि मेडिकल IIT को लेकर के ये कैसे तैयारी करवाते हैं, और बच्चे यहाँ पर आकर के कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा कि वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे, और किस तरीके से पढ़ाई जो है कोर्सेज यहाँ पर होती हैं, तो सारी चीज़ें हम आपसे बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत नमस्कार आपका, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है ना, और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर आए और है ना हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर मैं पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी और आपके कोचिंग के बारे में जो भी आप बताना चाहें। देखिए बेसिकली क्या ना, हमारे कोचिंग का नाम RVS स्टडी पॉइंट है, और हम लोग यहाँ पे नीट और IIT JEE की कोचिंग कराते हैं, और ये जो संस्था हमारी है कम से कम 10 से 12 साल पुरानी है। अच्छा सर ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन था उसके बाद पहले जो थे बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली, लेकिन अब क्या उतने बच्चे आ पा रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या वो बदलाव आया है या फिर अब ज़्यादा आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद? नहीं, बदलाव तो बहुत है, क्योंकि अब जो है जैसे पहले बच्चे ज़्यादा मात्रा में आते थे, अच्छा, अब बच्चे कम आते हैं, क्योंकि अब मोस्टली बच्चे क्या है ना कि ऑनलाइन को रेफर करते हैं, है ना। और जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे मतलब पहले से कम 50% बच्चे कम आते हैं, 50% बच्चे कम हो गए हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हाँ, और इसके बाद अब देखा जाए तो जैसे मोस्टली बच्चे अपने क्या है ना आसपास का जो एरिया होता है घर का वहीं पे रेफर करते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या ना लगता है कि ऑनलाइन बेटर है, तो इट्स गुड राइट है ना। और जैसे मोस्टली बच्चों का ये होता है कि हमारे पास जो क्लासेस है हम कहीं पे नियर बाई में ऑफलाइन ज्वाइन करें, तो बच्चे ऑफलाइन भी आते हैं ऑनलाइन में भी आते हैं, लेकिन पहले से बच्चे कोचिंग में कम जा रहे हैं। जो है सरकार ने एक और फैसला दिया था कि 16 साल से कम उम्र की जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, वरना जो जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोचिंग वाले हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों उनके पेरेंट्स हों। तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि जो आत्महत्या कर रहे थे बच्चे, कोटा में पढ़ रहे थे, कहीं भी पढ़ रहे थे, 16 साल से उनके नीचे थे, नहीं हो पा रहा था उनसे, तो वो सीधा अपना सुसाइड कर लेते थे, इसीलिए सरकार ने ये फैसला। नहीं देखिए, ये तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा काम है, और इसके लिए क्या है ना सरकार को बधाई देना चाहिए, क्योंकि देखिए हाँ अच्छा कदम है, क्योंकि आप मानो कि बच्चे छोटे हैं, अब जैसे एक तो क्या है ना कि अब मतलब बच्चे छोटे हैं, घर से बाहर हैं, स्ट्रेसफुल है, पढ़ाई का टेंशन है, है ना, तो बच्चे अपने लाइफ को क्या है ना जी नहीं पाते थे। तो इस दिशा में सरकार ने जो भी कदम उठाया है अच्छा है, और जैसे अब देखेंगे तो हमारे पास क्या ना मोस्टली तो बड़े ही बच्चे आते हैं। हाँ, छोटे बच्चों का हम एडमिशन लेते भी नहीं थे, और बहुत दिक्कत था यहाँ पे, रहने खाने की समस्या है, बच्चे रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, उनको देखने वाला क्या, कौन है यहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या कि एक बच्चा अगर घर से बाहर है तो सिर्फ स्टडी के लिए, स्टडी का टेंशन नहीं है, बच्चे को डिप्रेशन भी है ना, और भी तरह का समस्या है। तो बच्चे अगर क्या है ना किसी स्कूल में रहेंगे तो ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा, वहाँ पर खेलने कूदने की व्यवस्था होती है ना, तो बच्चे पढ़ाई भी करेंगे वहाँ पर और लाइफ का एंजॉय भी करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेस
स्ट्रेस कम होगा। हाँ, उसके माध्यम से तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं कि जैसे पहले जो बच्चों के ऊपर जो ओवर जो बर्डन था वो कुछ कम हुआ है, जैसे कि हाँ बिल्कुल कम हुआ है। पहले जो था मतलब इतना ज़्यादा बर्डन था और वो कम टाइम में वो मतलब नहीं हो पाता था, कवर नहीं हो पाता था, तो उसमें थोड़ा कमी आई है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी जो चली है वो तो बहुत ही अच्छी है। कौन सी पॉलिसी आपको अच्छी लगती है? जैसे जब ये अभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कि इसको दो शिफ्ट में कर दिया कि जो बच्चे जैसे आप जेई मेंस दिए फिर उसके बाद एडवांस देंगे, तो जो यहाँ पे क्वालिफाई किए तो इसके माध्यम से वो इस तरफ चले गए। तो एक जैसे था कि उसमें कि जैसे वहाँ पे होता गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते थे कि अब एक ही एग्जाम में है, जो करना है करना है। जी जी, मतलब ये हो गया। हाँ। और उसके बाद फिर अब एक ही के माध्यम से सब हो जा रहा है। केमिस्ट्री के टीचर हैं आप, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मेनली थ्री ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल। और तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है बच्चे के लिए। और जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से हम न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा अच्छा कवर कराते हैं, और यहाँ पर बाकायदा टेस्ट सीरीज होती है न्यूमेरिकल्स के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस हैं, और जितनी भी 11th और 12th का पोर्शन के साथ IIT और GE में जितना भी सिलेबस कवर कराते हैं उसमें ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर, 12 साल के अपने एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि बच्चे आते हैं जाते हैं यहाँ से, लेकिन क्या ऐसा टॉपिक है या जो मेन जो काफ़ी बच्चे जो डाउट उसमें होता है उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या ऐसे कुछ टॉपिक्स बताएंगे? मेनली जो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो टफ चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हैं, इक्विलिब्रियम्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स हैं, इसमें बच्चों को मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहती है। अगर बच्चे प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और नंबर अच्छे पा सकते हैं। नीट का कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी बढ़िया पढ़ाई चल रही है सब कुछ? जी पूरा, अभी मेरा बेसिक कवर किया जा रहा है। बेसिक कवर कर रहे हैं अभी? कितना साल हुआ है? क्या कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आए? यहाँ तो अभी 10-15 दिन हुआ। लेकिन 10-15 दिन हुए हैं, तो 10-15 दिन में आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, मतलब सही जा रहा। हाँ। आप कौन से कोर्स कर रहे हैं? नीट। आप भी नीट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। यही रहती हैं जी? तो कितना टाइम हो गया आपको, या फिर लग रहा है कि आपको कितने टाइम बाद जो है आपको डॉक्टर बन के बन पाएंगी आप? कोशिश तो यही रहेगी कि इसी नीट को क्लियर करके बन जाऊं। कौन सा टाइम में? अच्छा, जरूर। तो अच्छा, गवर्नमेंट जो है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक बिल आई है पेपर लीक बिल, अगर आपको पता होगा उसके बारे में मैं बता देती हूँ। पेपर लीक बिल है, जो भी चीटिंग करता है, जो चीटिंग कराते हैं उनके खिलाफ जो है सरकार एक्शन लेगी और उनको जेल की सज़ा होगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, बढ़िया स्टेप है ये? हाँ जी, बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली जो लोग कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके पेशेंट लोगों को उनको देखना है, तो उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमको मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? अमन। अमन, आपको कितना टाइम हो गया? जी 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ से है? यूपी से है। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं, पीजी में? नहीं, पीजी में नहीं, पापा के साथ रहते हैं। पापा के साथ रहते हैं। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है आपको? बस ये बचपन से था मेरा, और हाँ। मेरे दादाजी का सपना था और पापा का। अच्छा। मेरा भी था, तीनों लोग। अच्छा, आपको पता है गवर्नमेंट पेपर लीक बिल लाई है, इसके लिए क्या? तो आप अभी पहले बता दिए, पता नहीं था। नहीं पता था आपको? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आप लोग बच्चे होते हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जब पेपर लीक हो जाता है तो बाकी बच्चों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सरकार रोकने के लिए इसको बिल लाई है, तो ये ठीक है। हाँ, ये अच्छा कर रहे हैं सरकार। हाँ, सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, करेंगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ कर रही है IIT मेडिकल वालों के लिए? जी कर रही है, इसे बहुत कुछ कर रही है ना गवर्नमेंट, साथ भी दे रही है, मतलब हर एक लैंग्वेज भी कर दिए, 13 लैंग्वेज में होते हैं पेपर वगैरह है जी, और प्लस हिंदी मीडियम के बैच भी चला रही है, जैसे हो गया MBBS में, JEE IIT जो भी है इंजीनियरिंग, सब हिंदी मीडियम से कर रहे हो अभी। तो जो 13 लैंग्वेजेस में किया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप, ये बढ़िया हुआ है? हाँ, ये बढ़िया हुआ है। जैसे बहुत से बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज तो आजकल मतलब सब पढ़ लेते हैं जी, हिंदी बैच हो गया जिससे हिंदी मीडियम वाले, तो थोड़ा दिक्कत इनको होता था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सरकार इस पर भी अच्छा काम किया है। और प्लस जो और लैंग्वेज थे जैसे अपने अपने लैंग्वेज के हो गए, तो उनके लिए भी ये बेहतर हो गया, ये कि कर लेंगे जी। देखिए, हमने हिंदी मीडियम बैच पहली बार स्टार्ट किया है जी, क्योंकि हमारे पास इससे जितने भी पहले हमने बैच स्टार्ट किया सारे इंग्लिश मीडियम के थे, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि जो बच्चे इंग्लिश हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आते हैं, तो हिंदी मीडियम का हमने बैच पहली बार
स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है और बच्चे भी बहुत अच्छे आए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि जैसे IIT JEE का पेपर दो बार होता है वैसे ही नीट का पेपर साल में दो बार होना चाहिए। क्या बच्चे सब लोग एग्री है? हमारी आवाज को पहुंचाइए मोदी सरकार तक और उनको क्या है ना, ये पेपर साल में दो बार करना चाहिए। इतना ही नहीं, कम से कम 20 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं पूरे साल में। 20 लाख, ये 20 लाख बच्चों की तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ और मेरी बात को आप पहुंचाइए कि नीट का पेपर साल में दो बार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छी बात की सर ने भी कि किस तरीके से जो IIT और उनका होता है एग्जाम दो बार जो होता है साल में, तो इनका भी जो है मेडिकल वालों का भी जरूर करना चाहिए। और ये जो बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि हिंदी मीडियम भी जो अलाउ कर दिया है, बच्चे ईजिली जो है पढ़ सकेंगे, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं इंग्लिश की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं समझ आती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है और इस पर आप लोग भी बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए और लाएंगे कि बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो देखते रहें विद्या लाइव, मेरे यानी शिवानी झा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।